अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आपका भाई रात के 10:30 बजे इतना तैयार होके कहाँ से आ रहा है, तो डोंट वरी जी, हम कहीं से नहीं आ रहे हैं, हम जिम से आ रहे हैं। पसीना देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि असल में अभी ईद की छुट्टियाँ हो जाएंगी फिर, और गैप ज़्यादा हो जाएगा, तो आई डिडंट वॉन्टेड कि गैप ज़्यादा हो, तो जितना फ़ायदा उठाया जा सके। असल में मेरी सारी फैमिली शॉपिंग पे गई हुई है, बट आई चोज जिम ओवर शॉपिंग। तो देखें, जितना जिस चीज़ के बारे में आप लोग पैशनेट होंगे ना, तो यू विल ऑलवेज बी एबल टू टेक टाइम आउट, वो टाइम वाला एक्सक्यूज आपकी ज़िंदगी से खुद ही ख़त्म हो जाएगा। तो अच्छा, ये बात तो मैंने नहीं करनी थी, खैर उसके अलावा मैंने जो बात करनी थी वो थी कि लास्ट ईयर भी, लेट्स वॉक एंड टॉक, आहिस्ता एक दो मैंने काम करने वो करते हैं, आपके साथ बात करते हैं। तो ये बात थी कि लास्ट ईयर भी मैंने किस तरह की वीडियो बनाई थी, इट वॉज टाइटल्ड एज आई मिस यू, और आई स्टिल रिमेंबर मैं रात को 2 बजे छत पे गया था। खैर आप लोग देख लेना, मैंने काफ़ी दिल की बातें की थी, दुखी बातें की थी रमज़ान के बारे में। खैर इट विल बी टॉप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, मैं डाल दूंगा, तो ज़रूर चेक करना जाके। इट वॉज रियली नॉस्टैल्जिक होगी काफ़ी, क्योंकि काफ़ी देर हो गई, साल पुरानी है। तो मैं ये एक मैसेज डिलीवर करना चाह रहा था, बिकॉज सी आई स्टिल डोंट केयर कि मेरी वीडियो को कितने लोग देखें, या मैं वीडियो ये सोच के नहीं बनाता कि कभी भी कि इस वीडियो पे इतने व्यूज़ आएंगे, इतने लाइक्स आएंगे, इतने कमेंट्स आएंगे। ठीक है, वो होता है हर किसी का कि बंदा बार बार चेक करता है इतने व्यूज़ हैं, इतने ये वो ठीक है, बट माई इंटेंशन इज़ नेवर एंड विल नेवर बी इन फ्यूचर इंशाल्लाह टू ओनली केयर अबाउट द नंबर्स, बल्कि माई इंटेंशन इज़ ऑलवेज टू हेल्प समवन, टू मोटिवेट समवन, कि पॉजिटिव बातें मैं करूँ, पॉजिटिव कोई मैसेज स्प्रेड करूँ, बिकॉज सी इन द वेरी एंड आई लाइक मैंने स्टार्ट भी इसलिए किया था, एंड नाउ व्हेन अल्लाह हैज़ गिवन मी सम ऑडियंस, तो आई थिंक सो के ऑन द डे ऑफ जजमेंट आई विल बी क्वेश्चन अबाउट दैट। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हर चीज़ का सवाल होना है, तो इसका क्यों नहीं सवाल होगा। तो इसीलिए ये भी डर रहता है दिल में कि कहीं ना कहीं मैं इसको मिस यूज़ ना कर दूँ इस चीज़ को। तो इसीलिए मैं आप लोगों से फ्रॉम टाइम ऑन टाइम मैं ये छोटी मोटी बातें करता रहता हूँ, और मुझे शौक भी है इस तरह की बातें करने का, एंड आई सी द रिस्पॉन्स, काफ़ी लोग अच्छा इसको अप्रिशिएट करते हैं, सो इट मोटिवेट्स मी ऑल्सो। तो जो मैंने बात करनी थी वो ये थी कि सी रमज़ान इज़ अबाउट टू एंड, अभी कल इंशाल्लाह या परसों इंशाल्लाह आखिरी रोज़ा होगा, फिर चांद रात है, फिर ईद है, और दैट रियली मेक्स मी सैड, क्योंकि रमज़ान इज़ समथिंग, इट मेक्स यू रियली स्पिरिचुअली, मेंटली एंड फिजिकली रियली बहुत डिफरेंट वाइब्स होती हैं। आप लोग खुद ही देखें कि क्या माहौल होता है रमज़ान के मंथ में और बाकी महीनों में, जैसे कि हम जो हैं सहरी के लिए उठना रात को सबके साथ, फैमिली के साथ पूरा आपने नाश्ता करना है, फिर कभी कभी इंसान का दिल नहीं करता, कभी वो नहीं करते, इस तरह करके डिफरेंट, फिर नमाजें जो है नमाज बंदा सारी जाके मस्जिद में पढ़ता है, उसके अलावा एक्स्ट्रा इबादत कुरान का पढ़ना एंड तिलावत, उसके अलावा फिर जो अफ्तारी वाला टाइम होता है, दैट इज़ द रियली रियली क्या कहते हैं उसको, कोई वर्ड्स ही नहीं एक्सप्लेन करने के लिए, लाइक जिसने आज तक ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की ही वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। खैर दैट्स नॉट अ टॉपिक। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि देखिए रमज़ान इज़ अबाउट टू एंड, एंड रमज़ान का मेन मकसद जो मुझे समझ आती है ना, एंड आई थिंक यू विल बी एबल टू एग्री विद इट, वो ये है कि अगर आपने अपने किसी भी करीबी दोस्त है, कोई आपका जानने वाला है, कोई आपके आपकी फैमिली में है, उसके साथ आपकी कोई छोटी मोटी लड़ाई हुई हुई है, कोई किसी भी बात में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, छोटी हो बड़ी हो, इट डजेंट मैटर, जस्ट लीव इट एंड फॉरगिव हिम और हर, क्योंकि अल्लाह ताला ने देखें यही कहा है कि किसी के दिल में आप कोई चीज़ रखेंगे तो, और फिर रोज़े रखेंगे, फिर दैट उसका फ़ायदा नहीं है, अल्लाह ताला विल नॉट बी हैप्पी अबाउट दैट। और अल्लाह ताला ये कहते हैं कि देखें आप, देखें अल्लाह ताला इतने रहीम हैं, इतने मर्सीफुल हैं, वो हर किसी को माफ़ कर देंगे, वो बेशक दैट्स राइट। एंड अल्लाह ताला ये भी कहते हैं कि देखें अगर मैं इतना मर्सीफुल हूँ तो वाई नॉट यू, कि आप भी किसी की गलती हुई है तो चले माफ़ कर दें, इससे क्या होगा, आप भी खुश हो जाएंगे, वो भी खुश हो जाएगा, दोनों खुशी खुशी आपस में सुलह कर लें। तो मेरा यही मकसद चाह रहा था कि अभी भी स्टिल वी हैव टाइम, अभी भी एक दो दिन है, रमज़ान इज स्टिल गोइंग ऑन मैन। तो अभी भी अगर आप किस वीडियो के बाद अगर आप कुछ समझते हैं कि मेरी किसी दोस्त के साथ, किसी पुराने रिश्तेदार के साथ, किसी फैमिली मेम्बर के साथ, अपनी अम्मी अब्बू बहन भाई चाचा ताई जिसके साथ भी वट एवर इट माइट बी कोई लड़ाई हुई हुई है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो ज़रूर जाके उनसे सुलह करें, उनको सॉरी करें, या उनसे बात को ख़त्म करने की कोशिश करें, एंड टेक अ स्टार्ट न्यू स्टार्ट अ न्यू क्या कहते हैं टेक अ न्यू फ्रेश स्टार्ट मैन। एंड जस्ट दिल में किसी के ग्रज रखना, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग।
तो जस्ट फॉर गिव दैम, ये मोटो रखें अपना ज़िंदगी में एंड यूल बी रियली हैप्पी एंड अल्लाह ताला विल ऑल्सो बी हैप्पी। तो बस ये छोटी सी बात करनी थी मैंने और आई थिंक के यू ऑल बी एबल टू एग्री विद दिस। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई अभी आजकल, हीट स्ट्रोक वाला सीन ऑन है। तो होपफुली इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि ईद पर कोई बारिश का सीन हो जाए। फोरकास्ट नज़र आ रही है मुझे सैटरडे फ्राइडे की, बाकी ईद की तैयारियां फुल हैं मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह से। आप लोगों की क्या सीन है मुझे बताएं कमेंट्स में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जिस जिसने एंड तक वीडियो देखी है। और आई होप आई वॉज एबल टू डिलीवर माई मैसेज रियली ईजीली एंड सब कुछ समझ आ गया मैं क्या कहना चाह रहा था। आई होपफुली एंड इंशाल्लाह आई विल बी मेकिंग द ईद व्लॉग टू सून। एंड थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। मैं सबसे बड़ी बात कि थैंक यू सो मच जिस जो जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, फीडबैक देते हैं, आई रियली अप्रिशिएट इट एंड दिल से मुझे बहुत खुशी होती है एंड आई फील रियली रियली हम्बल्ड। और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोस और बनाते रहेंगे आप लोगों के लिए एंड आप लोगों को एंटरटेन करते रहेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा ज़रूर एंड इंशाल्लाह हैप्पी एडवांस्ड ईद मुबारक टू एवरी सिंगल वन ऑफ यू वॉचिंग एंड टेक केयर। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, मैं तो आप लोगों को याद रखता हूँ, आप लोग मुझे याद रखते हैं आई होप सो। तो पीस आउट, इट इज़ योर वॉइस शांज़र साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।